देव श्री चंद्र प्रभु भगवान की श्री पार्शनाथ भगवान की पूरे आचार्य चार्यक श्री शांति सागर जी महाराज आचार्य रत्न एक स्वर्थी अजित सागर जी महाराज की गुरुवार आचार्य कल्प एक स्वर्थ सरमती सागर जी महाराज अरे जैन धर्म की जय प्रत्येक प्राणी संसार में दुखों को क्यों झेलता रहता है क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं संसार ही दुख में है। उमा स्वामी ने तत्त्वार्थ सूत्र जब बनाया तो उनने एक सूत्र लिखा संसार दुखमय ही है संसार के अंदर सुख होता तो कुछ तो हमें दिखाई देता मानव सोचता है कि धन से सुख होता है परिवार से सुख होता है राग करने से सुख होता है प्रेम भाव से सुख होता है लेकिन नहीं ये सब संसार जितना भी है धनवानों से पूछो तो भी वो कहेगा मेरे कोई न कोई शरीर में वेदना भरी पड़ी है तो संसार में संसार शरीर से ही दुखी रहता है सबसे पहला दुख तो हमारा शरीर का ही है क्योंकि तो हमारे आचार्य कहते हैं शरीर में अगर रोग नहीं है तो सबसे पहला निरोगी काया होनी चाहिए आगे के सारे काम जितने भी होते हैं इस निरोगी काया से होते हैं लेकिन कोई भी प्राणी आज संसार में देखिए जन्मते हुए बालक से लेकर मरण तक दवाई के बिना ये शरीर हमारा चलता नहीं है ये दवाई का घर बना हुआ है मरते मरते भी दवाई की घूट मुंह में चम्मच रखी हुई है और प्राण निकल जाते हैं सोचिए सुख कहाँ है हमें हम सोचे इंद्रियों का विषय भोगने से सुख मिलेगा लेकिन नहीं यह इंद्रिय भोग तो खुजली के समान है जिस प्रकार शरीर में खुजली हो जाती है उसको खुजाते रहते कुछ आनंद आता है खुजाने से लेकिन छोड़ने के बाद क्या होता है डरन पैदा करती है इसी प्रकार से ये भोग हमारे चाहे किसी भी इंद्रिय का हो स्पर्शन है रचना है घ्राण है चक्षु है कोई भी इंद्रिय का भोग हो कुछ क्षण के लिए हमें सुख देता है अच्छा लगता है परंतु छूटने के बाद महान ताप होता है इस शरीर के अंदर सोचिए यह दुख जीवन के अंदर कब आता है टेंशन कम होता है डिप्रेशन कम होता है जब हम भगवान को भूल जाते हैं जब तक भगवान को स्मरण करोगे नमोकार मंत्र का जाप करोगे तब तक आपको कोई भी दुख हो सकता नहीं है यह भगवान की भक्ति संसार से पार कराने वाली होती है यह भगवान हमारे आपको कुछ देते नहीं बोलते नहीं कहते नहीं लेते नहीं कुछ नहीं करते परंतु ये सब कुछ करते हैं मौन एक ऐसी चीज होती है कि मानव को संसार के सारे सुखों को देती है बोलने वाला दुखी होता है लेकिन मौन वाला मानव कभी दुखी नहीं हो सकता है ऐसे हमारे भगवान दिखाई देते हैं आपको ये कुछ नहीं बोलते लेकिन भक्ति और मुक्ति दोनों इन्हीं से मिलेगी संसार के भोग भी इन्हीं के भक्ति से मिलेगी जितने भी संसार में आप सोचिए दुखी दिखाई देते हैं ये सब भगवान को छोड़ने पर ही होते हैं जितने भी आज महासतियाँ हुई हैं महा महापुरुष हुए हैं महा महा है, आप सोचिए उन्होंने भगवान की भक्ति करी तो देवों ने आकर के उनकी रक्षा की है देव भी भगवान के भक्त के ऊपर देव भी हर समय तैयार रहते हैं हर समय आकर के आपकी रक्षा करते हैं हम क्षेत्रपाल पद्मावती को क्यों पूछते हैं क्यों भक्ति करते हैं उनकी तो क्यों भगवान के चरणों में रहती है और आप दुखी जब वहाँ पहुँचते हैं भगवान के चरणों में तो वह भी सोचती है कि मैं जैसे भगवान के भक्त हूँ ऐसे ये भी भगवान के भक्त है ये हमारे भाई कहलाते हैं अगर ये दुखी है तो मुझे इन्हें सुखी करने का पुरुषार्थ करना होगा इसीलिए कहा है बाल पर में चलना माता पिता सिखा देते हैं अंगुली पकड़कर आपको चलाते हैं परंतु जवानी में संभालना स्वयं को पड़ता है माता पिता नहीं संभाल सकते हैं माता पिता आपको मार्ग बता देंगे लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा संभलना आपको ही पड़ेगा जब तक आप अपने आप में चिंतन नहीं कर पाओगे तब तक कोई भी मानव इस संसार में संभल नहीं सकता है क्योंकि संसार में बहुत सारे कीचड़ भरे पड़े हैं बहुत सारे कंकड़ भरे पड़े हैं कहीं भी आपको ठोकर लग सकती है कहीं भी आपका पैर फिसल सकता है तो उस समय संभलने का काम आपका है ये संसार में संभलना क्या चीज़ है जब हमारे शरीर में दुख पैदा होता है रोग पैदा होते हैं अथवा धन की नष्ट होता है दरिद्रता आती है हमारा व्यापार बंद होता है चलना नहीं होता है इस समय मानो क्या होता है हमारे यात्रियों करते हैं दुखों दुखी जीवों से दोस्ती करो दुखी जीवों से दोस्ती करो वो कभी न कभी तुम्हारे काम आएंगे लेकिन पैसे वालों से अगर दोस्ती करते हो तो वे अंत समय में, में आपको दूर हो जाएंगे उनके पास आप कहीं भी हाथ पसारने जाओगे वो मुंह मेर के खड़े रहेंगे आपके प्रत्येक मानिक को सोचना होगा कि संभलना मुझे ही है अंत में मेरा ही काम आता है बालपन खेल में खोयो जवानी नींद भर सोयो बुढ़ापा देख कर रोयो संभल नहीं पाया बालपन खेत में चला जाता है पच्चीस वर्ष किधर निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है और जब पच्चीस से पचास तक पहुंचते हैं तो जमाने के अंदर जोश में भरा रहता है मानव भोगों में दिन रहता है वो सोचता है मेरे समान संसार में दूसरा कोई है ही नहीं लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब उसे मालूम होता है कि मैंने जितना भी कार्य किया सब गलत था आज मेरा कोई भी साथी नहीं है बुढ़ापे में कोई आपकी लकड़ी पकड़ने वाला नहीं मिलेगा हाथ पकड़ करके आपको चलाने वाला कोई नहीं मिलेगा इसीलिए प्रत्येक मानव को अपने जीवन में यही सोचना चाहिए कि जिस प्रकार संसार दुखमय है इस संसार से मुझे कैसे पारण हो रहा होगा मनुष्य जीवन जैन कुल जैन जाति भगवान के दर्शन जिनवाणी का सुनना किसी भी गति में नहीं है सोचिए आप धर्म का साधन जोड़ने के लिए संयम की साधना के लिए ये मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है इसीलिए कहा है ये तन पाए महातप कीजिए या हमें सार यही है ये संसार के अंदर इस शरीर को पाया है मनुष्य जीवन के अंदर जैन जाति जैन कुल में मिला है इससे अपने जीवन को तपस्या करके संयम की साधना करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें छोटा छोटा संयम धारण करो जिससे भी हमारा कल्याण हो सकता है बिना संयम के कभी भी संसार पार हो सकता नहीं है इसीलिए सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद है इस प्रकार अपने जीवन को दुखी जानकर इसको सुखी बनाने का पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को सार्थक करें बड़े चंडा प्रभु भगवान की कि